हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लास विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी राजस्थान पीटीआई यूपी टीजीटी केवीएस एनवीएस डीटीएलएसपी सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 161 नंबर का क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? जो इसके कोर्ट की लंबाई होती वह कितनी होती है? 7 मीटर होती है, 10 मीटर होती है, 20 मीटर होती है, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है 18 मीटर। बताना है आपको यहाँ पे जो वॉलीबॉल कोर्ट होता है इसकी लंबाई कितनी होती है। सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा ए बी सी या फिर डी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर रिलेट कर जाएगा 18 मीटर यानी कि डी ऑप्शन से संबंधित है, डी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, वॉलीबॉल के कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? जो वॉलीबॉल का कोर्ट होता है इसकी चौड़ाई कितनी होती है ये बताइएगा। 34 मीटर होती है, 23 मीटर होती है, 18 मीटर होती है या फिर डी ऑप्शन है 9 मीटर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं कौन सा उत्तर अटेम्प्ट होगा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। फिजिकल एजुकेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और साथ में जो भी स्टूडेंट डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट बीच बीच में प्राप्त करना चाहते हैं, 10,000+ क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं और यूपी टीजीटी के बैच से जुड़ सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। आंसर आ गया है आप लोगों का डी यहां पे, तो डी उत्तर इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में नेट के एक खाने की लंबाई कितनी होती है? जो नेट का एक खाना होता है इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर इसकी लंबाई होती है, 20 मीटर इसकी लंबाई होती है, 50 मीटर या फिर 30 मीटर बताना है आपको 163 का आंसर। यहां पे आंसर हो जाएगा 10 मीटर है, ए ऑप्शन से रिलेटेड है, ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल के नेट के एक खाने की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसमें जो एक खाने की चौड़ाई होती है 164 में, ये कितनी होती है? 20 मीटर होती है, 10 मीटर होती है, 23 मीटर या फिर डी ऑप्शन 26 मीटर। इस क्वेश्चन को आप लोग क्लिक कर दीजिए कि यहां पे आंसर किससे संबंधित है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा। 164 कौन सा होगा? ए बी सी डी बिल्कुल बी ऑप्शन के साथ में संबंधित है, 164 नंबर 10 मीटर से रिलेटेड है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में कितने कार्ड प्रयोग होते हैं? इसमें जो कार्ड प्रयुक्त होते हैं 1, 2, 3 या फिर 6 कार्ड प्रयुक्त होते हैं। 165 में जो आंसर हो जाता है बिल्कुल सी ऑप्शन से रिलेटेड है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, वॉलीबॉल खेल में नेट की लंबाई कितनी होती है? वीडियो पसंद आए वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और डेली जो भी मॉक टेस्ट ग्रुप में प्रोवाइड किया था उसको आप लोग डेली का डेली सॉल्व करिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्पफुल अवश्य साबित होगा क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सब एग्जाम के स्तर के। 9621819209 पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। ए ऑप्शन 9.5 मीटर से रिलेटेड है, ए उत्तर सही हो जाता है। 167 वॉलीबॉल खेल में नेट की चौड़ाई बता दीजिएगा कितनी होती है? 167 बिल्कुल आंसर आ रहा है आपका सी ऑप्शन के साथ में, 1 मीटर हो जाएगा, सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 है, फ्री जोन सहित वॉलीबॉल कोर्ट की कुल लंबाई कितनी होती है? जो फ्री जोन है इसको बताना है आपको, इसके सहित वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कुल कितनी होती है? 168 नंबर 43 मीटर होती है, 32 मीटर होती है, 76 मीटर या फिर 80 मीटर
किस ऑप्शन से 168 का आंसर रिलेट करेगा, 168 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 मीटर बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही आंसर होता है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फ्री जोन सहित वॉलीबॉल कोर्ट की कुल चौड़ाई कितनी होती है, कुल चौड़ाई बता दीजिएगा, कंटिन्यूटी बना रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी बनाए हुए उनके मार्क्स ऑलरेडी सही आ रहे हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और करते रहिएगा, आने वाले एग्जाम्स में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। 169 आंसर यहां पे हो जाएगा सी, 19 मीटर सी उत्तर इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, इसमें पोस्ट की ऊंचाई बता दीजिएगा कितनी होती है। 170 नंबर 4.55 मीटर होती है, 6.66 मीटर होती है, 2.55 मीटर होती है, या फिर 2.77 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 170, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 170। सी ऑप्शन 2.55 मीटर सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस खिलाड़ी को वॉलीबॉल में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको इसमें आखिरकार सम्मानित किया गया है। टॉम जोसेफ को सम्मानित किया गया है, जिम्मी जॉर्ज को सम्मानित किया गया है, रणवीर सिंह, या फिर इनमें से सभी को सम्मानित किया गया। 171 डी ऑप्शन के साथ में रिलेटेड है क्या, यहां पे आंसर हो जाएगा टॉम जोसेफ भी सही आंसर है, जिम्मी जॉर्ज भी रिलेट कर जाएंगे, रणवीर सिंह भी रिलेट करेंगे, यानी डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी को वॉलीबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको इसमें सम्मानित किया गया है। टीपी पद्मनाभन नायर को सम्मानित किया गया है, ओम प्रकाश सी ए भी दोनों, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं सम्मानित किया गया है। 172 का आंसर क्या होता है, सी ऑप्शन से रिलेटेड है क्या, यहां पे ए व बी दोनों से रिलेटेड है, सी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खिलाड़ी को वॉलीबॉल में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसमें किसको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा। 173 YouTube पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, इसके पहले के जितने भी वीडियोस अपलोड किए गए उन सभी वीडियोस का लिंक आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं और वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। राजस्थान पीटीआई के लिए जो भी स्टूडेंट्स सुपर फास्ट वीडियो सभी वीडियोस का लिंक एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट पेमेंट इसी नंबर पर फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से करके सारे क्वेश्चंस का जो एक साथ वीडियो का लिंक है वो भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 का आंसर क्या हो जाता है, यूपी टीजीटी के लिए जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होने ज्वाइन हो सकते हैं। 173 आंसर हो जाता है यहां पे कौन सा, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी उत्तर इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 174 है, वॉलीबॉल में किस खिलाड़ी को राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसमें किसको सम्मानित किया गया। ओम प्रकाश को सम्मानित किया गया है, ए रमन्ना राव को सम्मानित किया गया, सी ऑप्शन ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 174 वॉलीबॉल में किस खिलाड़ी को राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 174 नंबर, ओम प्रकाश, ए रमन्ना राव, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या होगा, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर दिया गया है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी शब्दावली वॉलीबॉल से संबंधित है, शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार, ध्यान रखिएगा पिछली बार क्वेश्चन भी बीच से उठाया गया था और आसान क्वेश्चन था, टफ नहीं था, इसलिए जो भी अभी आप लोग को एग्जाम की डेट आने के जस्ट पहले जो सुपर फास्ट वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे सारे क्वेश्चंस सुपर फास्ट वीडियोस के माध्यम से ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उसका लिंक ग्रुप में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे पिछली बार प्रोवाइड किया गया था, नया ग्रुप था उसके अंदर वीडियोस का लिंक प्रोवाइड किया जाता था, सेम उसी पैटर्न पे इस बार भी लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
175 का आंसर क्या हो जाता है, डी ऑप्शन होगा। क्या इनमें से कौन सी शब्दावली बॉलीवाज से संबंधित नहीं है, बॉली पॉस रोटेशन स्पाइकर, डी ऑप्शन यहां पे इनमें से सभी से रिलेट कर जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 176, वॉलीबॉल कोर्ट की दिशा किस तरफ होती, कौन से तरफ इसकी दिशा होती है, उत्तर दक्षिण दिशा होती है, पूरब पश्चिम दिशा होती है, दक्षिण पूर्व दिशा होती है, या फिर केवल दक्षिण दिशा होती है। जो भी स्टूडेंट्स सुपर टेट के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट सुपर टेट के बैच से भी ज्वाइन हो सकते हैं। 25 सितंबर को जैसे ही राजस्थान पीटीआई का एग्जाम कंडक्ट होता, तुरंत 26 सितंबर से सुपर टेट और यूपी टेट से रिलेटेड आपके जो मॉक टेस्ट की क्लासेज है वहां पर शुरू कर दी जाएंगी। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं डायरेक्ट वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए अभी आपको 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा, क्योंकि अगर फीस बाद में बढ़ती है तो वहां पर उसका अकॉर्डिंग जो होगा नए स्टूडेंट्स का होगा, पुराने स्टूडेंट्स के लिए इतना ही रहेगा। 176 का आंसर क्या होगा, उत्तर दक्षिण दिशा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में एंटीना का रंग कैसा होता है, एंटीना जो होता है उसमें उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है, काला होता है, सफेद व लाल होता है, या फिर इनमें से सभी होता है। 177 नंबर सी ऑप्शन सफेद व लाल होता है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में कितने कार्ड प्रयुक्त होते हैं, तो इसमें जो कार्ड प्रयोग किए जाते हैं वो कितने प्रयोग किए जाते हैं, 1, 2, 3 या फिर 7 कार्ड इसमें प्रयोग किए जाते हैं, बताइएगा। 178 का आंसर बता दीजिएगा, कौन सा उत्तर इसमें क्या होगा, राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपको अटेम्प्ट करना है, सी ऑप्शन से संबंधित है, 3 कार्डों का प्रयोग होता है। 179 है, वॉलीबॉल में जो वॉलीबॉल खेल होता है इसमें बॉल पीकर्स कितने होते हैं, बता दीजिएगा आंसर, तुरंत अटेम्प्ट करिएगा। बहुत ही छोटी सीरीज आपके लिए 20 क्वेश्चंस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये वीडियो आपके एग्जाम के पहले 125 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चंस की भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अभी आपके स्क्रीन पर सी ऑप्शन सही आंसर होता है, सी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 1917 में वॉलीबॉल खेल में नेट की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 2.43 मीटर थी, 6.55, 2.44 या फिर 9.90 मीटर, आंसर हो जाएगा सी यहां पे, 1917 की बात की गई थी तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो 9621819209 व्हाट्सएप नंबर यूपी टीजीटी के बैच से जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, साथ में अगर नए स्टूडेंट 10,000+ क्वेश्चन की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, उसके साथ में डेली जो मॉक टेस्ट ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है वो मॉक टेस्ट आपको टेस्ट के फॉर्मेट में दिया जाएगा, बीच बीच में प्रैक्टिस सेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो भी स्टूडेंट शुरुआत से कंटिन्यूटी अभी तक बनाए हुए हैं उनका कहीं ना कहीं स्कोर अवश्य बढ़ा है अगर वो डेली के डेली पढ़ाई करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बना रखिएगा, एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे। जिस तरीके से पिछली बार यूपी टीजीटी में सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो उसी तरीके से आप सभी का भी सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। तो नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सफलता अवश्य प्राप्त होगी।